जानबूझकर की जा रही है शासन आदेश की अनदेखी, रंग नहीं ला रही है एनजीईटी की समझाइश। जनपद हमीरपुर में दिन प्रतिदिन लगाई जा रही है फसलों के अवशेषों में आग। मामला जनपद हमीरपुर की तहसील राठ क्षेत्र का है, जहां शासन प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद भी किसान अपने खेतों में फसलों के अवशेषों को नष्ट करने के लिए आग के हवाले कर रहे हैं। एनजीईटी की गाइडलाइन के अनुसार फसलों के अवशेषों में आग लगाना पूर्णतः वर्जित है। वातावरण में वायु प्रदूषण फैलने के साथ साथ जैव विविधता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। किसानों को अपने खेतों को खाली करने के उद्देश्य से आग लगाकर नियंत्रण न करना भी क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही है, जानबूझकर की जा रही है, जिससे दूसरे किसानों के खेतों में लगे कीमती वोट फलदार वृक्षों के साथ अनेक पशु पक्षी भी इस आग की चपेट में आकर नष्ट हो रहे हैं। हद तब और अधिक हो जाती है जब ऐसे किसान आग लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पिछले दिनों नवैनी ग्राम वासी किसान करने सिंह लोधी के खेतों में भी इसी प्रकार से आग पड़ोसी किसान ने लगा दी थी, जिससे किसान करने लोधी के लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया था। इसी प्रकार ग्राम बरुआ में भी आग लगाई गई थी, जो अनियंत्रित होकर लगभग 500 एकड़ भूमि से भी अधिक में फैल गई थी और दूसरे किसानों की अनेक बीघे गन्ने की फसल नष्ट होने के अलावा ट्यूबवेलों के इंजन, सिंचाई के पाइप जलकर नष्ट हुए। ग्राम इटालिया बाजा में गन्ने से भरे ट्रैक्टर में अचानक आग लगने से भी अनेक एकड़ में आग फैली थी, जो ग्राम वीरा के समीप तक पहुंच चुकी थी, जिसमें किसान महिपाल लोधी पुत्र स्वर्गीय होरीलाल की खड़ी लगभग 8 बीघे की फसल और बेरी, सीसम, अमरूद और 7 देसी बबूल के वृक्ष नष्ट होने से लगभग 8 लाख रुपए की क्षति हुई थी। किसान हरीश चंद पुत्र होरीलाल की मोटरसाइकिल और अनेक हाइब्रिड फलदार वृक्ष का नुकसान हुआ था। ग्राम मसगवा में स्वयं राजस्व कर्मचारी ने एक किसान को रंगे हाथों पकड़ा था, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हिंदुस्तान न्यूज टीम हमीरपुर ने ग्राम बिहुनी के किसान रामचंद्रन साहू पुत्र श्री हरलाल को मोटे पर आग लगाते रंगे हाथों कवरेज किया।